पेपर कैन ड्रेस और यूनिफॉर्म, देखिए यूनिफॉर्म होता है जब पूरी पूरी क्लास के लिए, पूरे वर्ग के लिए, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, सबको हिदायत होती है, सबको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस कलर का शर्ट, इस कलर की पैंट, या इस कलर का शर्ट और इस कलर की निक्कर, या इस कलर का शर्ट और इस कलर का स्कर्ट, वो सभी के लिए होता है। जैसे अगर लड़के हैं तो ये होगा, लड़कों में अगर उम्र का फर्क करना है तो इतनी उम्र तक के सभी ये पहनेंगे और इतनी उम्र से ज्यादा के सभी ये पहनेंगे, ऐसा फर्क क्लियर होता है। लेकिन पहनते सभी है फिर उस वर्ग में, तो वो यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, जैसे यूनिफॉर्म ग्राउंड, एक सा ग्राउंड बिल्कुल। तो जब पुलिस वाले जैसे पहनते हैं, सभी की एक जैसी ड्रेस होती है। हाँ, रैंक वाइज कुछ फर्क होता है, लेकिन एक ही रैंक के ऑफिसर एक ही तरह की वर्दी पहनते हैं तो उसको यूनिफॉर्म, मिलिट्री वाले भी इसी तरह से, तो वो है यूनिफॉर्म। अगर कोई आम आदमी कुछ कपड़े पहनता है, जैसे एक जो भी कपड़ों का, यानी कमीज है, पैंट है, जो उसका एक ग्रुप है अटायर का, जो वर्दी है उसकी, वो इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, उसको या तो सूट बोलेंगे या ड्रेस बोलेंगे। आमतौर पे लड़कियों के केस में ड्रेस बोला जाता है और सूट जनरल टर्म है, लड़कियों के लिए भी बोली जा सकती है, पर आमतौर पे लड़कों के लिए सूट बोला जाता है। इसी तरह से ड्रेस उसके लिए भी होता है कि किसी जो आप खाना वगैरह परोसते हैं उसको भी ड्रेस, और खाने के ऊपर जैसे मान लिया आपने पिज्जा बनाया है और पिज्जा के ऊपर जब आप तह लगाते हैं अलग अलग चीजों की, उसको भी ड्रेसिंग कहा जाता है। इसी तरह से घाव पे जो पट्टी करना है उसको भी ड्रेसिंग कहा जाता है, और सूट में सॉरी सूट में जैसे आप रात को जो पहनते हो नाइट सूट है, आप डिनर पे जाते हैं वो डिनर सूट है, लेकिन यूनिफॉर्म इनसे बिल्कुल अलग चीज है। ये आपको बताऊं अगला।